लॉकडाउन के तीसरे चरण में शनिवार को देहात और शहर में चहल पहल दिखी। इस दौरान सुबह के समय में समय से पहले निकलने वाले लोगों का पास, मास्क और हेलमेट चेक किया गया। नौसड़ चौराहे से बाहर आए मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग किया गया और नाम पता नोट किया गया और अन्य जिलों से शहर में आ रही गाड़ियों का नंबर नोट किया गया। इस संबंध में SPCT ने बताया कि जो लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको समझाकर वापस कर दिया जा रहा है और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि बिना आवश्यकता के घरों से बाहर ना निकलें। बिना आवश्यकता के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SPCT डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, लॉकडाउन का अनुपालन करवाया जा रहा है। छूट के समय पे जिस समय आने व्यवस्थान दुकानों को और व्यावसायिक संस्थानों को खुलना है उस समय पे वहाँ पे सामाजिक दूरी बनी रहे, मास्क का प्रयोग हो, हैंड वॉश की व्यवस्था करवाई जा रही है। वहाँ पे बार बार लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। जहाँ कहीं भी ट्रैफिक का वायलेशन हो रहा है या जान के क्वारंटीन के इसके लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर उनका चालान भी किया जा रहा है।